तो सुपर सीएम मनोहर लाल आज के दिन तो वही है जो चल रहा है। अमित शाह जो कह के गए कि अगला चेहरा हमारे नायब सिंह सैनी, तो उससे फर्क पड़ा नहीं पड़ा कोई? हरियाणा के अंदर एक आम जो लोगों के बीच में हो रहा है ना कि जाट नॉन जाट का जो मुद्दा, उसमें बहुत हद तक लोग बीजेपी को एक उसका मेन वो सूत्रधार कहते हैं कि वो इस तरह की राजनीति करके अपना राजनीतिक फायदा उठा रही है। मनोहर लाल बदले तो अब मनोहर लाल की सारी पॉलिसी बदली जा रही है। मनोहर लाल के सरकार के फैसले बदलने के पीछे नायब सरकार की क्या यही मंशा कि चुनाव जीतना है, कुछ और भी कारण? जनता के लिए ये प्रॉपर्टी आईडी का जो है मसला कितना दुखदाई और कितना कष्ट भरा हुआ है, आम जनता उससे पीड़ित है। दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में चुनावी बयार बहने की पूरी तैयारी है। जैसे मौसम बदल रहा है वैसे चुनावी रंग भी बदलने शुरू हो रहे हैं और चुनावी रंग सामने आ रहे हैं। चुनाव के अंदर जब भी चुनाव आता है तो उसके अंदर बात चलती है चेहरों की, मोहरों की, मुद्दों की, और उसके बाद नारों की और उसके रिएक्शन की। तो अगर चेहरे और मोहरे की बात करें तो सरकार, जो खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी ने चेहरे और मोहरे बदल भी दिए और बदलने का काम चल भी रहा है। बात आएगी नारों की, मुद्दों की, और फिर उसके बाद में उन पर एक्शन क्या है, इन सब को लेकर के, क्योंकि चुनावी सीजन में चर्चा चुनावी होती है। मैं इस प्रकार के कुछ मुद्दों को लेकर के, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे और जो चेहरे मोहरों वाली बात है, इस पर किस दिशा में हरियाणा की राजनीति और राजकाज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के कुछ मुद्दों को लेकर मैं चर्चा में हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और पंचायत व विकास विभाग के जॉइंट डायरेक्टर सेवानिवृत्त हैं। क्योंकि पंचायत और विकास विभाग में थे तो इसलिए गांव और गांव की राजनीति को भी बहुत नज़दीक से जानते हैं। सुरजेवाला जी, चुनावी मोड आ चुका जी। लोकसभा चुनाव जब शुरू हुआ था जी, तो उस समय हरियाणा के अंदर चेहरा बदला गया था। हाँ, मनोहर लाल बदले गए थे और नायब सिंह सैनी आ गए थे मुख्यमंत्री। और अब जब लोकसभा चुनाव शुरू हुआ तो फिर बीजेपी के मोहरे बदले जा रहे हैं जी। चेहरे तो मुख्यमंत्री वाले हो गए और मोहरे वो हो गए, जैसे अभी हरियाणा का प्रभारी बदल दिया जी। हाँ जी, विप्लव कुमार देव हरियाणा के प्रभारी थे, अब चुनाव सह प्रभारी हैं वो। सतीश पुनिया जी को ले आए और जो हरियाणा के चुनाव सह प्रभारी हैं वो, जो हरियाणा के बीजेपी के सह प्रभारी हैं। यहाँ एक तो उलझ जाते हैं, इनके प्रभारी, फिर चुनाव प्रभारी, फिर सह प्रभारी, फिर सह चुनाव प्रभारी, मंडल, ये प्रभारी सारे आपका। तो जी जी जी, जी। सतीश पुनिया जी हो गए, उनके साथ हैं सुरेंद्र नागर जी, राज्यसभा सदस्य हैं वो, हैं हरियाणा के सह प्रभारी। आप भूल कर रहे हैं जो इनके मुख्य प्रभारी हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी हैं। चुनाव प्रभारी हैं। और फिर चुनाव सह प्रभारी ये अपना उड़ीसा, ये त्रिपुरा वाले विप्लव कुमार देव साहब। कुमार देव जी हैं। चेहरे और मोहरे बदलने का बीजेपी को कितना फायदा होगा? देखिए, जहां तक चेहरा बदला हरियाणा में, उससे कोई विशेष लाभ नजर नहीं आया। मैं तो समझो नुकसान कह दो बेशक से, 10 से 5 पे आ गए। नहीं, 10 से 5 पे तो आना ही था, आना ही था। अगर आप चेहरा ना बदलते तो हो सकता है ये 4 पे भी आ जाता। चलो, उसे नहीं है, लेकिन फायदा कोई नहीं था। फायदा कोई नहीं हुआ, इसे कहते नो प्रॉफिट नो लॉस। बिल्कुल बराबर, ठीक है जी। नुकसान यूँ कहिएगा कि पहले सत्ता एक मनोहर लाल जी के पास थी, अब शायद कुछ लोग भ्रम में नायब सैनी जी के पास भी जाते हैं और मनोहर लाल जी का अल्टीमेटली उनके पास भी पहुंचते हैं। भ्रम में नायब सिंह सैनी के पास जाते हैं या भ्रम में मनोहर लाल जी के पास जाते हैं? नायब सैनी जी के पास। तो सुपर सीएम मनोहर लाल आज के दिन तो वही है जो चल रहा है। अमित शाह जो कह के गए कि अगला चेहरा हमारे नायब सिंह सैनी, तो उससे फर्क पड़ा नहीं पड़ा कोई? उसे फर्क ये पड़ा जो दूसरे लोग मन में जिनके लड्डू फूट रहे थे ना कि शायद मेरा आ जाए, हाँ शायद मेरा नंबर लग जाए, शायद परिवर्तन हो तो चुनाव के बाद मेरा आ जाए, लेकिन उन पे रोक जरूर लग रही है। उनके लिए अगला जो बादल काले हो गए, और तो कुछ नहीं, बाकी तो एज इट इज है, वैसे ही है। और शायद चेहरा बदलने की नौबत भी ना आए, चुनाव में लोग ही चलिए तो चुनाव परिणाम बताएगा, चुनाव परिणाम बताएगा, हो सकता है। सतीश पुनिया बना दिए विप्लव कुमार देव की जगह जी, हरियाणा के प्रभारी। इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है? इसके पीछे वो राजस्थान से है, जाट है।
और चुनाव हार गए थे वो। अब वो तो चुनाव हार गए बेशक, लेकिन हरियाणा का जो चुनाव आ रहा है ना उसमें बीजेपी बड़ा एक कैलकुलेटेड उस हिसाब से चलती है। मैं तो ये कहूँ कि ज़्यादा कोई ज़्यादा और एजेंडा या मुद्दा ना लेकर के जातीय समीकरण को गोटियां ज्यादा बैठाती, मतलब एक तरह से दिखा दिया कि जाट समाज के नेता हैं उनको बना दिया और राजस्थान के वो राजस्थान से है नज़दीक है और भाई जाट जो बेल्ट है किसान आंदोलन आपका अग्निवीर और आपका महिला पहलवानों का मामला हो कई तरह के मामले जो आए हैं उसमें और जैसा कि एक हरियाणा के अंदर एक आम जो लोगों के बीच में हो रहा है ना कि जाट नॉन जाट का जो मुद्दा उसमें बहुत हद तक लोग बीजेपी को एक उसका मेन वो सूत्रधार कहते हैं कि वो इस तरह की राजनीति करके अपना राजनीतिक फायदा उठा रही है। तो उनको काबू करने के लिए खुश करने के लिए शायद मतलब जाट समाज को साधने के लिए सतीश पुनिया जी को फिर तो गुजर समाज को साधने के लिए हमारे साथ वाले जो जिले से आते हैं ग्रेटर नोएडा के पास से मिस्टर नागर जी नहीं नहीं है। अब आप देख लिया राज्यसभा के जो भी सदस्य इन्होंने मनोनीत किए तो वो जातीय समीकरण के बेसिस पे है और आज भी जो आगे एक सीट वैकेंट है उस पर भी यही मंथन चल रहा है कि किस जाति को आगे लेके आए। और इसी तरह जो प्रधान का पद है हरियाणा में आज नायब सैनी जी मुख्यमंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी हैं पार्टी के अध्यक्ष भी हैं तो अब इनकी तो ये है कि एक पद हो एक व्यक्ति एक पद तो हालांकि केंद्र में भी नड्डा साहब मंत्री भी हैं और देश के दोनों पद चल रहे हैं दोनों पद यहाँ पे भी चले हुए हैं तो इसको रिप्लेस करने के लिए भी ये इस तरह की गोटियाँ फिट जा रही है। दलित का नाम भी चल रहा है दलित का भी चल रहा है और आपका ब्राह्मण का नाम भी कह रहे थे पंजाबी समाज को भी करने का है लेकिन मुझे लगता है शायद ये दलित की तरफ ज्यादा जाने का तो है। ये तो हो गया जाट और गुजर समाज के लोग जाति समीकरण के हिसाब से जी। और जय जगन्नाथ वाले प्रदेश से लेके आए धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा से जी जय जगन्नाथ वहाँ पर हाँ, उन्होंने वहाँ अच्छा काम किया है और वैसे तो भी वो पुराने नेता हैं बिल्कुल समझदार नेता शायद हरियाणा में भी कुछ करिश्मा दिखाएं इसलिए उनको करिश्मा तो क्या दिखाते हैं विप्लव कुमार देव मैनेजमेंट काफी हद तक देखो काम तो करता है जी लेकिन लोकल मैनेजमेंट काम करता है। वो प्रभारी का इतना ज्यादा तो कोई वो नहीं है कि वो कोई करिश्मा दिखा देंगे। चलिए चेहरे मोहरे बदले उनका क्या फायदा होगा अभी टाइम बताएगा। मेन तो जब चुनाव परिणाम आएंगे चुनाव होंगे चुनाव की मैनेजमेंट होगी उसका परिणाम आएगा तो पता चलेगा। अब दूसरी बात ये आई जी चेहरे मोहरे बदले फिर मैंने आपसे बताया था कि जी पॉलिसीज में बदलाव जी मनोहर लाल बदले तो अब मनोहर लाल की सारी पॉलिसी बदली जा रही है जी। देखिए जब परिवार पहचान पत्र के अंदर काफी सारे उन्होंने आजकल वो समाधान शिविर लग रहे हैं उसमें आधी शिकायतें परिवार पहचान पत्र संबंधित और ये कह दिया कि जो कह रहा भैया वैसा कर दो एफिडेविट दे दे एफिडेविट दे दे एफिडेविट पे मान ले। पहले जबकि इस परिवार पहचान पत्र में विसंगतियों के लिए आदमी के जूते चप्पलें घिस गए जी सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं जी। नंबर एक सरपंचों को 21 लाख तक की पावर दे दी पहले से भी बढ़ा दिया जी वो हो गया फैसला और उनके टीए वगैरह भी उनके टीए डीए सब कुछ नहीं वो एचएस अधिकारी के बराबर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये दूसरा फैसला हुआ जी फिर अगर तीसरा फैसला लें तो और सरकारी कर्मचारियों के मामले में कई सारी रियायतें चल पड़ी हैं जी जी जो जिन्होंने आंदोलन किए थे उनको और भाई वो अब चलो गलती चूक भूल चूक जो ही लाभ तो जी जी मनोहर लाल के सरकार के फैसले बदलने के पीछे नायब सरकार की क्या यही मंशा कि चुनाव जीतना है कुछ और भी कारण। देखिए मैं इसको मनोहर लाल जी के फैसले उलटने पलटने की बात नहीं मानता कि भाई मनोहर लाल जी ने जो फैसले लिए थे और आज की सरकार मनोहर लाल जी के विचारों से मेल नहीं खाती इसलिए फैसले पलटे जा रहे हो ऐसा नहीं है। जैसा चुनाव के अंदर अनुभव इनको मिला कि जनता इन बातों को गलत मान रही है कई फैसले जैसे सरकार ने वो लिया था कृषि तीन कृषि कानून सरकार उस बात में बड़ी आमदा रही 1.5 साल तक वो आंदोलन चला और 750 आदमियों की शहादत हुई और आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कह के भी मेरी समझ में कुछ कमी रह गई और
ये आम किसानों को समझा नहीं पाए, वही मेरे कमी रहेगी, मैं इसको समझा नहीं, में कमी रहेगी, तपस्या में कमी रही, और मैं इसमें खेद प्रकट करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ और मैं इसको वापस लेता हूँ। कहाँ तो वो इस बात पे अड़े हुए थे, और फिर जब ये देखा कि जनता इस बात को नहीं पसंद करती तो उन्होंने उस फैसले को वापस लेना पड़ा, लिया नहीं है, लेना पड़ा। सुरजेवाला जी चौधरी बंसीलाल जी, हाँ, आज भी ये जो फैसले हैं, चाहे वो पोर्टल का फैसला है, निसंदेह वो ये जनता के लिए ये प्रॉपर्टी आईडी का जो है मसला, वो कितना दुखदाई और कितना कष्ट भरा हुआ है, आम जनता उसे पीड़ित है। तो ये अनुभव तो इनको हो चुका, लेकिन वो अड़ियलपना, जिद कि नहीं हमने तो पोर्टल चालू कर दिया, हम तो भ्रष्टाचार मिटाए। अरे इस पोर्टल से कौन सा भ्रष्टाचार मिट रहा है? एक मुझे एक बात बताइएगा, किसी के दादा परदादा ने कोई मकान बनाया आपके पलवल शहर में, और वो बहुत अरसा पहले और शहर के बीच में था, और ना कोई नक्शा है उसका, ना उसके कोई कागजात हैं, क्योंकि उसके भी दादा परदादा से वो जमीन उनकी थी, बिल्कुल, उस पे उन्होंने मकान बना लिया, और मकान बना के उसमें थोड़ा बहुत रद्दो बदल जो भी है उसका सुधारीकरण वो करते रहे, वो चलता रहा। आज वो अपने बेटों के नाम या किसी के नाम ट्रांसफ़र करता है तो कहते हैं उसका वो, आप वो लेके आइएगा बिल्डिंग प्लान जो आपने सेंक्शन करवाई, नक्शा जो पास हुआ था वो कागज लाइए, तब हम उसको बदलेंगे। 90% नक्शे थे नहीं लोगों के पास, नहीं थे। तो अब वो परेशानी है। आज भी ये जो समाधान शिविर है, मैं नहीं समझता इससे कोई जनता को लाभ होने जा रहा है लंबा चौड़ा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे नौकरशाही में अभी सरकार का अधिकार वही है कि भाई ठीक है आगे कर दिया, लटका देंगे और फिर चुनाव हो जाएगा, जनता फिर भरम में उसी में रही। या तो इसमें कोई अमूल चूल परिवर्तन करे। अब क्या आपने समाधान शिविर लगा दिए, डीसी बैठेगा, एसपी बैठेगा, क्या करेगा वे डीसी और एसपी? एप्लीकेशन आएगी, संबंधित विभाग को भेजेंगे, वो उस पे मार्क कर देंगे, ईओ म्युनिसिपल कमेटी म्युनिसिपल काउंसिल पलवल, उस पे ईओ साहब ने फिर वही है वो ढाक के तीन पात। तो इससे मैं नहीं समझता कि जब तक कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस ना हो या सब कुछ, जब तक इसमें कोई परिवर्तन ना हो ना भाई, ये क्लियर ये है इसमें करने का। अब आपने कह दिया कि वो परिवार पहचान पत्र, उसमें कह दिया कि एफिडेविट दे दे और अपनी इनकम को घटा ले बढ़ा ले, ऐसे तो हर कोई एफिडेविट दे देगा, उसकी वेरिफिकेशन क्या है, क्या चीज है? बिल्कुल। और याद करिएगा 2014 में मोदी जी जब आए, उन्होंने कहा कि कितने ऐसी वो है सरकार की व्यवस्थाएं योजनाएं जिनमें लोगों को बिन मतलब के उलझाया हुआ है, हर बात में एफिडेविट क्यों, हम इसको बिल्कुल बंद करेंगे। और एक आदमी जब अपनी वो दे देता है, अपना लिखित में बयान दे देता है और अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे देता है तो समय घोषित कर देता है, तो एफिडेविट से क्या उसको, बिल्कुल ठीक बात है, क्या जिन्होंने झूठे एफिडेविट दिए उनके आज तक के पूरा हिंदुस्तान में कितने % लोगों को सजा मिली? हाँ, कोई एक्शन नहीं होता। एफिडेविट तो हमने वो भी देखे हैं अपने जीवन काल में, अपने सेवा काल में, कि लोगों के बगैर साइन किए हुए, बिल्कुल, घोषणा जिसने की, एफिडेविट जो बंदा दे रहा है उसका साइन ही नहीं होते, और एफिडेविट हो रहा है, एफिडेविट लोकसभा की सीट देखो आप, जिसने एफिडेविट पता ही नहीं चला उसे क्या हुआ आगे, जो कांग्रेस के कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल हुआ पता ही नहीं चला उसमें क्या रीजन था, कौन एफिडेविट दे गया, किसने लिया, वो गवाह कह रहा मेरे साइन ही नहीं है, तो बस सब कुछ होता है। तो बंदा जब वो खुद दे रहा है अपनी डिक्लेरेशन खुद दे रहा है तो उसको मान लो आप एफिडेविट से क्या, या तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ता हो 10-20-50 रुपए की टिकट लगने से, वो तो फायदा होता हो तो भले ही, उससे कितना खजाना भर जाएगा, बिल्कुल, वरना तो लोगों को इस तरह दुखी करने की ये व्यवस्थाएं हैं, इनमें परिवर्तन होना चाहिए समय के साथ साथ। जी जी। तो ये चाहे वो पीपी है, परिवार पहचान पत्र है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी है, ये जो आपने उठाया कि भी इसके समाधान शिविर, मैं नहीं समझता कितने समाधान हो पाएंगे। हाँ, उनको लिंगर ऑन कर दिया जाएगा, चुनाव निकल जाएंगे, उसके बाद ठीक ये सरकार आएगी तो फिर होगा, नहीं तो खैर देखा जाएगा। जो मैं बता रहा था कि मनोहर सरकार के फैसले पलटने, और आपने कहा कि पलटना नहीं, चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे 96 से 2, जो उनका 99 का टर्न चला, जो जी चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में फैसला किया शराबबंदी का, जी शराबबंदी फेल होने लगी, जी
काफ़ी हद तक फेल हो गई जी, शराब तस्करी ये सब और क्राइम बढ़ गया हरियाणा के अंदर। बिल्कुल बढ़ा। जो हरियाणा विकास पार्टी के जो नेता मंत्री कैबिनेट के लोग थे उन्होंने सबने फैसला की कि भैया शराबबंदी को वापस ले लिया जाए जी। बात ये चली कि चौधरी बंसीलाल के से वापस करवाएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि चौधरी बंसीलाल का तो वैसे ही जो करेक्टर रहा बात का जवान का बड़े धनी का रहा। बिल्कुल। और बात यह है कि वे सुरेंद्र सिंह को बना दें मुख्यमंत्री जी, तो वो एक पुरानी कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो क्या इसके अंदर भी ये था कि मनोहर लाल के सरकार के जो फैसले थे, अब आप कह रहे हो पूरी तरह नहीं बदला गया, आमूलचूल परिवर्तन जो होना चाहिए, दो चार फैसले अगर देख लिए जाए सरपंचों वाले या जिन पर कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था, तो क्या इसके पीछे भी कहीं यही मकसद तो नहीं था कि मनोहर लाल के फैसले पलटने के लिए मनोहर लाल को साइड किया जाए? और ऐसा नहीं था जी, ऐसा कुछ बिल्कुल भी सोच नहीं थी पार्टी की। और इसके पीछे तो यही था कि मनोहर लाल जी की यहाँ पे जो था एंटी इनक्यूमेंसी फैक्टर भी था। और पीछे एक वीडियो में आपने बनाया जब मैंने ये कहा था कि जब तक मनोहर लाल जी यहाँ थे और जब वो उनको बदला जा रहा था तो आम जनता ये कह रही थी कि इन्होंने हरियाणा में पार्टी का नुकसान पहुँचाया है और बजाय पार्टी को उठाने के इन्होंने पार्टी को नीचे लाया है। और जैसा कि 1986 में जब भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे यहाँ और कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त ये निर्णय लिया कि भजन लाल जी की रहनुमाई में जो चुनाव होने जाएगा वो उसका जो फायदा हमें नहीं होगा नुकसान होगा, इसलिए वो केंद्र से चौधरी बंसीलाल जी को यहाँ पर भेजा गया था 1986 में जी। उसी सोच के तहत कि भाई ठिकरा उनके वो नई बोतल में पुरानी शराब, हाँ मोटा मोटी कहने मोटा मोटी यही हुआ कि भाई उनको बदल दिया जाए, कई बार होते हैं और लोगों का ध्यान बट जाएगा कई बार उनका। वैसे इसका फायदा मुझे लगता नहीं कोई मिलता है, नहीं फायदा नहीं होता है, नहीं हुआ। चलिए खैर, अब चुनाव आ रहा है नजदीक सुरजेवाला जी जी, लोकसभा चुनाव के अंदर मैंने आपने पुरानी वीडियो की बात की तो मैं भी आपको बताऊं कि एक वीडियो में हमने जिक्र किया था जी, मैंने ये कहा था कि अग्निवीर किसान जी पहलवान बेटियां जी ये नेशनल मुद्दे तो थे ही थे, हरियाणा के मुद्दे खासकर ये भी ये रहे जी। अब हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव होना है जी उसमें ये मुद्दे कितने प्रभावी होंगे? बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, आपने देखा होगा एक खास पर्टिकुलर बेल्ट एरिया हरियाणा का जहाँ पे ये मुद्दे कुछ मुद्दे जो है ना वो प्रभावी है, कहीं वो कम है, निष्प्रभावी है, कम है कम और है। कहीं निष्प्रभावी भी है, ऐसे कहीं निष्प्रभावी भी है। फरीदाबाद में आ जाओ, जैसे कृषि का मुद्दा था, गुरुग्राम में आ जाओ निष्प्रभावी है, हाँ कृषि आंदोलन था वो, नेचुरल है कि करनाल जिला, कुरुक्षेत्र जिला, जींद जिला, सिरसा, फतेह, रूरल जितना भी आ गया या जीटी रोड वो परे। अब आपका अहीर जो था या फरीदाबाद था इनमें ज़्यादा नहीं था प्रभाव उस चीज का। और अग्निवीर की बात जैसे आई, जैसे महेंद्रगढ़ है, दादरी का इलाका है, जींद का है, रोहतक है और सोनीपत है, ये इलाका इसे प्रभावित है अग्निवीर से। अब फरीदाबाद शहर में या आपका गुड़गांव में इस चीज़ का ज़्यादा नहीं है, तो ये मुद्दे तो हैं हरियाणा के खासकर। सुरजेवाला जी ये बहुत चुनाव पे बहुत इस चीज़ का प्रभाव डालेंगे। अग्निवीर को लेके बहुत दोहराव रहा जी, अब की बार संसद के अंदर अग्निवीर बड़ा मुद्दा बना जी। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर को सुविधाएं नहीं मिलती जी, शिव जी की फोटो लेकर के राहुल गांधी खड़े हुए और कहा कि जो अग्निवीर वाला जो है वो यूथ के साथ में छलावा है, ये वो तमाम सारी बातें जी। और सरकार का जो काउंटर जवाब था, सरकार ने कहा कि भाई हम अग्निवीर को शहीद होने की स्थिति में 1 करोड़ रुपए भी दे रहे हैं जी। उसके बाद राहुल गांधी पहुंच गए एक शहीद के घर पंजाब जी, फिर काउंटर जवाब सेना की तरफ से आया सीधे कि हमने उनको 74 लाख कुछ ऐसा था कि ये दे दिया है और बाकी उनके खाते में और अभी होना आगे जाना अभी जी। तो ये दोहराव क्यों है, क्या लगता है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है या फिर सरकार की पॉलिसी में कमी? देखिए बेसिकली अग्निवीर योजना बिल्कुल ही हमारे यहाँ जो अपने देश की बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से बिल्कुल गलत है, ये कमज़ोर कर रही है हमारी सेना को। अब वो एक मजाक, कई बार आपने देखा होगा पढ़ा होगा कि एक महिला कहती है दूसरी महिला से, मेरे पति तो अभी नौकरी में है और मेरा पुत्र जो है रिटायर हो, वो रिटायर होकर के सेवानिवृत्त होकर घर आ गए,
ये क्या है। दूसरा, 4 साल के लिए, अब वो 7 साल के लिए बढ़ाने की बात की है सरकार ने, 4 साल के लिए, क्या 4 साल में वो जाएगा? 1.5-2 साल तो उसको वहाँ एडजस्ट होने में लगेगा, उसके बाद उसको अपना बिस्तर बांधना शुरू कर देता आखिरी साल में, तो पहली बात तो वो उस तरीके से वो लड़ेगा नहीं, उसको वो तजर्बा नहीं हो पाएगा उसको। 4 साल कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ मैं, हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है बिल्कुल, और मुझे कोई मतलब नहीं इससे, उसको वो भावना ही नहीं जगेगी। जैसे एक उसमें जो एक जज्बा, जो एक सेवा का जज्बा, जो राष्ट्र के प्रति अपने को समर्पण, वो आएगा नहीं, वो नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा। एक इसको अगर देख लें, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाला कोई भी काम है, कॉन्ट्रैक्ट वाले काम में जो ठेकेदार होता है उसका उसको अपना समय पूरा करना, समय पूरा करना होता है, बस काम पूरा करना है, खाना पूर्ति। यहाँ तक कि कई बार अधिकारी को एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है, या उसको ये पता है कि भी मेरे को यहाँ हमें परमानेंट यहाँ पर नहीं होगा, 2 महीने या 6 महीने में वो काम ही नहीं करता, काम ही नहीं करता उस पर, कोई भी नहीं करता बिल्कुल। अधिकारी की बात छोड़िए, कोई भी नहीं करता आपका। तो सबसे बड़ा तो ये है कि ये राष्ट्र के लिए कोई मतलब अग्निवीर योजना ना राष्ट्र के लिए नुकसान, युवाओं के लिए। अब युवा जो 4 साल के बाद आ जाता है, 18 साल का कोई चला गया, 22 साल की उम्र में वो वापस घर आ गया, उसके बाद उसका इतना लंबा जीवन है, वो क्या करेगा? बिल्कुल, कहाँ जाएगा? करें सरकारी नौकरी अप्लाई करें, वो तो पहले भी करें। हाँ? सरकारी नौकरी में पाबंदी क्या है, उम्र की कहाँ है? नहीं नहीं, सरकारी नौकरी है तो पहले भी कहाँ है, सब कॉन्ट्रैक्ट में जा रही हैं, सब जा रही हैं, जैसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की जा रही है, लिव इन पे जा रही है, ऐसे नौकरियां भी कॉन्ट्रैक्ट में जा रही हैं, बिल्कुल जा रही है। खैर, सुरजेवाला जी, एक तो अग्निवीर जी, किसान जो, ये पोर्टल मुद्दा, और कौन कौन से मुद्दे हरियाणा के, पीपी जो है, परिवार पहचान पत्र है, ये जितने भी पोर्टल हैं, ये सारे के सारे, ये जनता इन बातों से दुखी है, चुनाव के मुद्दे बनेंगे। हाँ बिल्कुल, और ये इनसे जनता दुखी है। क्या अच्छा, भ्रष्टाचार भी है। देखिए, आप कुछ भी आप सीखी कहे, सरकार अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लग पाई। मतलब अग्निवीर, किसान, जो खिलाड़ियों के साथ जो सब कुछ था, पोर्टल, भ्रष्टाचार, ये सब चुनाव के मुद्दे बनने वाले। एमएसपी किसान में तो आ गया उसके अंदर, एमएसपी किसान सब कुछ, किसान की बात करिए। नहीं नहीं, किसान की बात है, एमएसपी अकेला है, एक अलग ही चीज़ है। किसान के मुद्दे में और भी बहुत चीज़ है, समय पर खाद नहीं मिलता, दवाइयाँ बहुत सी, 85% जो नकली भी आ रही है, वो नकली है, और उनके रेट्स। इसके अलावा नौकरियाँ, पेपर लीक, ये सब कुछ मुद्दे, पेपर लीकेज है, जनमानस को एक किस्म से झकझोर दिया है कि भी वो डॉक्टर जो आएंगे वो मुन्ना भाई MBBS, बिल्कुल, तो वो तो फिर आप देखिएगा क्या होगा। सेना का ये हाल, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इस किस्म के आएंगे, तो समाज किस तरफ जा रहा है। तो चुनाव जो नज़दीक है, जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर क्षेत्रीय मुद्दे सिर चढ़कर बोले थे, इसी प्रकार विधानसभा चुनाव के अंदर भी जो मुद्दे तैयार दिख रहे हैं, चाहे वो केंद्र की अग्निवीर योजना हो, किसानों का मसला हो, पहलवान बेटियां या पहलवानों वाला जो इशू था जी, ये तो रहेंगे रहेंगे। इसके साथ में पोर्टल, परिवार पहचान पत्र, किसानों को मिलने वाली असुविधाएं और बिजली पानी, भ्रष्टाचार, ये सभी चुनावी मुद्दे रहेंगे। अगर आपको भी लगता है कि कोई आपके एरिया में चुनावी मुद्दा बन सकता है तो हमें ज़रूर बताएं। तो आने वाले दिनों में जब चुनाव के लिए मुद्दे गढ़े जाएंगे तो हम भी उस पर चर्चा क्या करेंगे कि कौन से मुद्दे हो सकते हैं और किन मुद्दों पर चुनाव हो सकता है। तो आपसे वही बात कि एक बार अगर आपको भी लगता है कि आपके क्षेत्र का, आपके एरिया का कोई विशेष मुद्दा है तो उसे हमें जरूर बताएं। और इसी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।